मिर्जापुर की ओर ले चलते हैं, जहां हलिया थाना क्षेत्र के भैसोर जेर गांव निवासी जेसीबी मालिक रमाशंकर दुबे ने चौकी इंचार्ज ड्रमनगंज व दो सिपाहियों पर अभद्रता करने तथा 10,000 रुपए हफ्ता नहीं देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक को पत्रक देकर चौकी प्रभारी ड्रमनगंज व दोनों सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार लगाई है। दिए गए पत्रक में आरोप लगाया है कि 16 मई को मेरे घर आकर चौकी इंचार्ज योगेंद्र पांडे, कांस्टेबल अजय सिंह, मुकेश मुझे धमकी देने लगे कि तुम्हारे पास जेसीबी व ट्रैक्टर अवैध है, मुझे हर हफ्ते 10,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हें समेत तुम्हारे पूरे परिवार को मुकदमे में फंसाकर मार डालेंगे। पुलिस द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए तत्काल 50,000 रुपए की मांग की गई, नहीं देने पर जेल भेजने की भी धमकी दी गई। अपने खेतों में जेसीबी मशीन से मेड़बंदी कर रहे थे, उसे रोक दिया और पूरे परिवार को भत्ती भत्ती गालियां देने लगे। मुझसे रुपए की मांग करने मौके पर 10,000 रुपए लेकर मुझे छोड़ा गया, साथ में 30 लीटर डीजल भरा जर्किन भी उठा ले गए। साथ ही 50,000 रुपए प्रति माह देने पर भी जेसीबी मशीन चलाने के लिए कहा। पीड़ित ने चौकी प्रभारी तथा दोनों कांस्टेबल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट।